क्या दोस्तों, आप जानते हैं जब स्टाफ का क्वेश्चन दिया रहेगा तो मिनटों काम आप सेकंडों में करेंगे। तो देखिए, यहाँ से दिया गया है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर दिया गया है, 3:4:5 दिया गया है। तो क्या करना है, 1/x रेशियो क्या दिया गया है, 1/y रेशियो 1/z। तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल जब एक्स का निकालेंगे तो एक्स झाँप देंगे, दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से दोनों गुना करेंगे, 4×5=20 रेशियो। जब वाई का निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 5×3=15 रेशियो। फिर जेड का निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 4×3=12 रेशियो हो जाएगा। इसका आंसर हो गया क्या दोस्तों, आप जानते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो मिनटों काम सेकंडों में करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 1/a=1/b=1/c=2:3:4। तो a=b=c का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, मिनटों काम सेकंडों में करेंगे। तो देखिए यहाँ से जब क्या करेंगे, ए का रेशियो निकालना होगा तो दोनों गुना करके यहाँ लिखेंगे, 4×3=12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बी का जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी को छोड़ देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, 2×8 हो जाएगा। फिर रेशियो, जब सी का रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे, सी को छोड़ देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3×2 क्या होगा, 6। तो इसी तरह से क्या हो गया, इसका आंसर पूरा हो गया। कहते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो मिनटों काम आप सेकंडों में करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जब मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ 5/18 से गुना करेंगे, और जब किलोमीटर पर आवर जब बदलना होगा तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ से जब ट्रेन की गति कहा गया है निकालना है, जब इतना क्या है, 125 मीटर क्या है, मेट्रो ट्रेन की लंबाई ये दिया गया है, और क्या है, इतना मीटर स्टेशन है। तो देखिए यहाँ से गति निकालेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गति बराबर लिखेंगे कुल दूरी। तो कुल दूरी में क्या करेंगे, 125 और प्लस 75 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 200, अब बटे क्या होगा, समय, कुल दूरी बटे समय। तो देखिए यहाँ समय दिया गया है 10 सेकंड, तो क्या आ गया, यहाँ 0 से 0 समाप्त क्या हो गया, 20 मीटर/सेकंड हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको किलोमीटर में जाना है तो क्या करेंगे, 20 यहाँ से गुना कर देंगे, सब में दिया गया आंसर किलोमीटर में, इसीलिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, क्या होगा, 4×5=20, 18×6=72 किलोमीटर क्या होगा पर आवर। क्या दोस्तों, आप जानते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो मिनटों काम आप सेकंडों में करेंगे, 3 रुपये में 10 संतरे खरीदता है तो क्या हो गया, 3 यहाँ से 3 रुपये में 10 को संतरा खरीदा तो क्रय मूल्य हो गया, यानी CP हो गया। और देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस 3 रुपये में क्या करता है, 3 रुपये में 8 संतरे बेचता है तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 8×3 क्या हो गया, 24 हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, 10×3=30। जब दोनों का अंतर करेंगे तो क्या करना है, यहाँ से निकालना है लाभ प्रतिशत, लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, कितना का हो रहा है, तो 6 रुपया के दोनों का अंतर, 6/6। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 24, तो यहाँ से लिखेंगे 24, और जब प्रतिशत बदलना है तो क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6×6=24, और 2500 का क्या होगा, 100। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, डायरेक्ट 25%, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से बी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्या दोस्तों, आप जानते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो मिनटों काम आप सेकंडों में करेंगे। देखिए यहाँ से 14 रुपये में 30 फल लाया, तो यानी क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, 14 रुपये में कितना 30 फल। अब देखिए यहाँ से फिर क्या किया, 7 रुपये में 20 फल बेच दिया, तो 7 रुपये में क्या होगा, 20 फल बेच दिया। तो क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 7×2=14, या 14×2=28, 7×3=21। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 28 हो जाएगा। अब क्या हो गया, CP हो गया, यानी खरीदी गई वस्तु क्रय मूल्य, बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना होगा, 70। अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य पर देखिए हमेशा क्या होता है, लाभ या हानि निकलता है, तो यहाँ क्या करेंगे, क्रय मूल्य, और जब प्रतिशत में जाना है तो क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे, क्या होगा, देखिए यहाँ से 0 से 0 खत्म, 7 क्या हो गया, 21। उसके बाद देखिए यहाँ से लिखेंगे 100%, 100/3%, इसको जब क्या करेंगे, दशमलव में जाएंगे, तो यहाँ से देखिए पूर्णांक में नहीं दिया गया आंसर, क्या करेंगे, दशमलव में जाएंगे, 33.33% हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्या दोस्तों, आप जानते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो मिनटों काम आप सेकंडों में करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 रुपये में 3 की दर से खरीदे जाते हैं, तो 2 रुपये में क्या हो गया, 3 की दर से खरीदे जाते हैं, यानी CP हो गया, CP कितना हो गया, देखिए यहाँ से 2 रुपये में 3 को वस्तु खरीदे, उसके बाद 3 रुपये में क्या किए हम, 2 वस्तु हम बेचे हैं, तो देखिए यहाँ से वस्तु हो गया,
अब क्या करेंगे, दोनों का गुना करेंगे क्रॉस। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, तीन तीन क्या हो, नौ। ये हो गया क्या, हो गया सी पी, ये हो गया एस पी, दोनों का अंतर करेंगे कितना होगा, पाँच। और जब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, क्रय मूल पर निकालेंगे तो बट्टे क्या होगा, क्रय मूल। जब प्रतिशत बदलना है तो 100% से क्या करेंगे गुना, 2500 का क्या होगा 100, जब दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा 125% हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से बी में दिया गया, ऐसे ऑप्शन बी क्या हो गया, सही जवाब होगा। यह ट्रिक कैसा लगा, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।